आज मैं बना रही हूँ गाजर आलू तो कम है, गाजर ज़्यादा है थोड़ी, आलू उसमें कम ही जाते हैं, गाजरें ज़्यादा जाती हैं। आजकल उसका गाजर का सीज़न था, तो शुरू में अगर गाजरें पकाओ तो बहुत मज़े की बनती है, उसका जायका भी अच्छा होता है, मीठी भी नहीं बनती, तो इसलिए शुरू शुरू में आलू गाजर का सालन बहुत मज़े का बनता है। तो ये मेरा दिल चाह के आज मैं बनाऊँ और आपको भी आपके साथ भी शेयर करूँ। थोड़े से आलू हैं, एक किलो गाजरें हैं और मेरे पास मसाले में है लहसुन अदरक ये कुटा हुआ है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया और अदरक थोड़ी सी, एक टेबल स्पून था लहसुन, दो तीन चारों तीनों चारों चीज़ों को मैंने कूट लिया मोटा मोटा, ये नज़र भी आ रहा होगा। नमक है हसबे जायका, हल्दी और लाल मिर्चें, हरी मिर्चें मैं 3 से 4 अदर डालूँगी और वो मैं अभी दरमियान में डालूँगी, शुरू में नहीं डालूँगी हरी मिर्चें। प्याज मेरे पास एक है दरमियानी, हरा धनिया है काफ़ी सारा, हरा धनिया मैंने रखा और भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी काट लूँगी हरा धनिया, इसमें अच्छा लगेगा हरा धनिया। तो बहुत ईजी बहुत आसान है, जब बनाओगे तो झटपट बनने वाली है। मैंने हांडी में बना रही हूँ, हांडी 10 मिनट पहले मैंने उसे गर्म कर लिया है, ऑयल डाल के आधा कप वो भी गर्म हो चुका है, जैसे मैंने उसमें प्याज डाल ली है ना तो फ़ौरन ही प्याज नरम हो जाएगी, प्याज मैंने स्लाइस में काटी है बारीक बारीक स्लाइस में, ये इस तरह जल्दी गलती है साइज में इस तरह की, तो मैं इसी में ऐसे ही काटती हूँ कि फौरी तौर पे गल जाती है। एक पत्ता है तेज़पात मेरे पास, वो भी मैं डालूंगी, ज़ीरा और सूखा धनिया साबत जो मैंने बताया कूट लिए, ये मसाले इसके सारे तमाम, आधा कप ऑयल है, तो इसी में ये सारा आलू गाजर का सालन तैयार हो जाएगा। चले बनाते हैं आलू गाजर का सालन। 10 मिनट पहले गर्म की है तो ये गर्म हो चुकी है, इसमें मैं प्याज डालूंगी, ऑयल भी गर्म था हांडी भी गर्म थी, इससे ना जल्दी जल्दी प्याज भी होगी, और प्याज भी मैंने बारीक से काटे हुए थे, तो प्याज को ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, सब्ज़ी में ज़्यादा प्याज फ्राई भी नहीं करते, लाइट का कलर जैसे भुन गई है तो सारी चीज़ें शामिल कर दूँ, तो प्याज का जायका भी सही रहता है। ये लहसुन अदरक जो मैंने बताया था कूटा, ये तमाम मसाले इसमें गए और थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इस मसाले को थोड़ा सा ही चलाऊँगी, इतना नहीं चलाना मैंने कि मैं ये ज़्यादा भूनूँ, भूनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें ऊपर ही मैं आलू गाजरें इसके ऊपर रख दूँगी मसाले के, और नीचे से मसाला खुद ब खुद ही पकता रहेगा, और जो गाजर सब्ज़ी है वो खुद ब खुद भाप में ना हीट में हांडी की हीट में जो जलना पकना शुरू हो जाएगी, इसमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे आमतौर पर हांडी में पानी डालते हैं, मैं पानी इसमें शामिल ही नहीं करूँगी, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो करूँगी, नहीं तो मैंने ऐसे ही गाजर और आलू डाल देने इसके ऊपर। ये बस मसाला थोड़ा सा ही मैंने भूना है, ज़्यादा नहीं, खुद ब खुद ही मसाला नीचे पकता रहेगा और गलता रहेगा। ये गाजरें इसमें गई, आपस में ज़रा थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी, दिखा दूँगी कि ये सारे सेट हो जाएंगे, कि तो मसाला नहीं मैंने हलाना, और कोई 10 मिनट के बाद मैंने हांडी जो हांडी के नीचे फुलाग है ना वो मैंने हल्की कर देनी और ढक के रखना है 10 मिनट, उसके बाद फिर मैं दम वाली आग से पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के बाद, फिर मैंने इसे चलाना है, चला के फिर दोबारा मैंने इसे दम वाली आग पे रखना है, ये इससे इसकी भाप ज़रा इसके अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलती ढक्कन से, और हांडी में इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। ये मैं 10 मिनट के बाद इसे ढक रही हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं 10 मिनट दरमियानी आग पे मैंने इसे रखा हुआ था, अब इसका पानी भी थोड़ा बहुत जब गाजर का अपना पानी था वो भी इसमें छोड़ दिया, और हांडी की वजह से वो खुशक नहीं होगा पानी जो गाजर का पानी था, इससे मैं ये भून गई हूँ इसको आलू गाजर के मसाले के साथ, जो नीचे मसाला था ना वो सारा ऊपर आ गया इसमें मिक्स हो रहा है। अब ये स्टेज ऐसी है इसकी कि इसको मैंने दम वाली आग पे रखना है, पहले दरमियानी आग पे था 10 मिनट, अब ये जितने में भी टाइम में गल जाएगी गाजर आलू तो उतना टाइम से देखती रहूँगी कि कितना टाइम लगता है गाजर गलने में, तो पानी की ज़रूरत थोड़ा बहुत पानी इसका गाजर का हुआ है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, नहीं तो ये लगना शुरू हो जाएगा, ये इतना पानी मैं डाल रही हूँ इसमें,
ये दम वाली आग पे आस्ता आस्ता गलती रहेगी, पकती रहेगी, और जो थोड़ा बहुत पानी गाजर का और इसमें निकलेगा तो वो शामिल होता रहेगा। ये हांडी को मैंने थोड़ा सा इसके ढक्कन को आटा लगाया है तो इसकी भाप जरा बाहर निकल रही थी, तो थोड़ा सा आटा लगाने से इसकी भाप अंदर रही और ज़रा अच्छे से दम में आके फिर अच्छा खाना तैयार होता है इस तरह। ये हरी मिर्चें मैंने बाद में आटा लगाते हुए थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें शामिल की, तो ये पानी इसका खुशक नहीं हुआ। अगर पतीली में या दूसरे बर्तन में होता ना तो इसका पानी खुशक हो जाता फौरन, तो हांडी का होता है कि पानी नहीं खुशक होने देती, पानी इसमें है। गाजर भी मैं चेक करती हूँ कैसी हुई है, लग रहा है ज़रा कसर है, अभी थोड़ी सी है, ज़रा ये जैसे ही नरम होगी ना तो मैं इसे तैयार समझूंगी कि ये तैयार है। आलू भी थोड़े बहुत गल गए, तो गाजरों का भी अभी है कि ये ज़रा सख्त है, थोड़ी देर और लगेगी, ये मैं 20 मिनट के बाद देख रही थी इसे, तो 20 मिनट में भी गाजरें गली नहीं है लेकिन गल चुकी हैं थोड़ी। ज़रा मैं आग तेज़ करके इसे अब जल्दी से तैयार करने की कोशिश करूँगी, तेज़ आग में ज़रा ये बनेगी अब। और इसका घी जो मैंने डाला था आधा कप वो भी बाहर अलग हो जाएगा, पानी भी नज़र आ रहा होगा कि पानी है इसका जो मैंने थोड़ा सा डाला, वो सब्जी का अपना पानी है। तो अभी थोड़ी सी कसर है तो थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे और पकने में, तो मैं दिखाती हूँ फिर आपको। ये गाजर और आलू की सब्जी तैयार है, हल्का हल्का इसका घी भी आ गया, मैं देसी घी भी थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, कुछ पहले वाला ऑयल था और देसी घी मिला के ये सारा मिक्स हुआ, इसमें ज़रा शाइन भी आएगी सब्ज़ी में और अच्छा मज़ा आएगा देसी घी का भी। और सब्ज़ी भी गल चुकी, मैं आप चेक करवाती हूँ सब्ज़ी को भी, ये कैसे मैं ऐसे करूँगी, प्रेस करूँगी इसे तो ये टूट जाएगी। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की सब्ज़ी। और हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें अभी मैं शामिल करके तो डिश आउट करके दिखाऊंगी।